हेलो, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। ये आयशा लड़ाइयों के लिए नहीं बनी। प्यार करते आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए, ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्ला से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। सुकून से जाना चाहती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते हैं कि मुझे अपने आप में संभाल है। बस काफ़ी, थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। मेरी बात सुन बेटा। कुछ नहीं सुनना पापा। देख गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सोच। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। बहुत हो गया ऐसा कार करने से, तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा काम नहीं करना। बस हुआ ना मॉम, बस ऐसा। गुजरात के अहमदाबाद में नदी में कूदकर जान देने वाली महिला के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साबरमती नदी में हाल ही में आयशा नाम की महिला ने कूदकर खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद अब गुजरात पुलिस ने उसके पति आरिफ को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस अब उसे अहमदाबाद लाने की तैयारी कर रही है। आयशा ने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें वो हंसते और मुस्कुराते हुए अपनी अंतिम बात कहती हुई नजर आई थी। आयशा का वह अंतिम वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों की भावनाएं आयशा से जुड़ती चली गई। लोग जानना चाहते हैं कि आयशा का पति कौन था और क्या वजह थी कि उस खुशदिल लड़की ने इतना कड़ा कदम उठा लिया। आयशा का पति आरिफ अपने पिता बाबू खान के साथ जालौर की एक ग्रेनाइट फैक्ट्री में काम करता है। उसके पुश्तैनी घर के बाहर दो दुकान भी उसने किराए पर दे रखी है। आरिफ ग्रेनाइट फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर तैनात है, जबकि उसके पिता कंस्ट्रक्शन कंपनी की देखरेख का काम करते हैं। आयशा का राजस्थान के जालौर से बचपन से ही लगाव था। शहर के राजेंद्र नगर में आयशा का ननिहाल है। बचपन में जब भी उसके स्कूल की छुट्टियां होती थी तो वह अपने ननिहाल आ जाती थी। आयशा के मामा अमरुद्दीन बताते हैं कि जालौर से आयशा का काफ़ी लगाव देखते हुए उसके माता पिता ने उसकी शादी भी यहीं करवा दी। जालौर शहर के अस्पताल चौराहा निवासी आरिफ पुत्र बाबू खान के साथ वर्ष 2018 में आयशा की शादी हुई थी। आयशा के मामा ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही आरिफ और ससुराल के लोग उसको प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते आखिरकार आयशा ने अहमदाबाद की साबरमती नदी में कूदकर जान दे दी। आयशा के मामा ने आज तक से हुई खास बातचीत में बताया कि आयशा का बचपन से ही जालौर से रिश्ता था। आयशा का ननिहाल जालौर में है, उसका कई बार जालौर आना जाना रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात जालौर निवासी आरिफ खान से हुई थी। वह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों के बीच बढ़ते प्यार को लेकर परिजनों ने भी दोनों की खुशी खुशी शादी करवा दी। आयशा के मामा के मुताबिक शादी के साल डेढ़ साल बाद ही सारा प्यार नफरत में बदल गया, जिसके बाद दोनों के बीच रोज वाद विवाद होने लगा। आयशा का पति आरिफ अक्सर उसके साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से आयशा उसे जालौर में छोड़कर अपने मायके अहमदाबाद में चली गई। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आयशा ने हर तरीके से अपने परिवार को वापस जोड़ने की कोशिश की।
लेकिन उसके पति उसे नकारता रहा। आयशा ने अपने पति से आखिरी बार फोन पर बात भी की थी, जिसमें उसके पति ने मर जाने की बात कही थी, जिसके बाद आयशा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरने से पहले उसने अपने पति आरिफ से किया वादा भी निभाया। उसने मरने का वीडियो उसे और उसके परिजनों को भेजा। उस वीडियो में उसने जिक्र किया कि इस मामले में आरिफ को परेशान नहीं किया जाए, लेकिन अब आरिफ इस मामले में गिरफ्तार हो चुका है। आयशा के मामा बताते हैं कि वह अपने पति आरिफ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वह आरिफ के अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं करना चाहती थी। आयशा के मामा के मुताबिक आयशा का बचपन से आईएएस बनने का सपना था। वह पढ़ने में काफ़ी होनहार थी। आयशा पति से लड़ाई के बाद अहमदाबाद में पिता के घर रहती थी। परेशानी के चलते उसके माता पिता ने उसे नौकरी करने को कहा था, जिसके बाद फरवरी में उसने एक निजी बैंक में नौकरी भी करनी शुरू कर दी थी। अपने अंतिम वीडियो में आयशा ने भले ही यह कह दिया हो कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती हैं और उसकी सारी गलतियों को माफ़ करती हैं, लेकिन उसके पिता लियाकत अली मकरानी अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी भी माफ़ करना नहीं चाहते। आयशा के पिता लियाकत अली का कहना है कि कोई चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन वो अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार उसके हत्यारों को कभी भी माफ नहीं करेंगे। लियाकत अली मकरानी का कहना है, मेरी बेटी को दहेज के लिए इतना सताया गया कि उसे उसके ससुराल वालों ने 3-3 दिन तक खाना नहीं दिया। मेरी बेटी फोन पर अपने दिल की बात और उस पर हो रहे अत्याचार के बारे में हमें बता न पाए, इसलिए उससे फोन भी छीन लिया गया था। मेरी बेटी को आत्महत्या के लिए उसके पति ने मजबूर किया। मकरानी ने आगे कहा, आयशा ने फोन से मुझे बताया था कि मुझे ससुराल वाले बेहद परेशान कर रहे हैं, मैं इन सब से थक गई हूँ, जिसके बाद मैं जालौर गया और उसे अहमदाबाद अपने साथ लेकर आया, जिसके बाद 21 अगस्त को अहमदाबाद के वटवा में आयशा ने अपने पति आरिफ खान, सास ससुर और ननद के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें कि आयशा ने अहमदाबाद की साबरमती नदी में 26 फरवरी की शाम को नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। इस युवती ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो बनाकर उसे अपने माता पिता और दोस्तों सहित अपने पति को भेजा था। वहीं उसने अपने पति को फोन भी किया था। काफ़ी देर तक दोनों के बीच बातचीत भी हुई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ऑडियो में उसका पति उसे मर जाने को कह रहा है और साथ में मरने का वीडियो भी भेजने को बोल रहा है। वहीं मृतक आयशा ने कुछ देर बाद अपने परिजनों से भी बातचीत की। उसके माता पिता ने उसे काफ़ी देर तक समझाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आयशा ने साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली।